हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन, स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय पोल चेंजिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, वाले स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय पोल चेंजिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल का तीसरा तरीका है। लास्ट के लेक्चर में हमने दो तरीके किए थे। पहला तरीका दोस्तों वी बाय एफ मेथड, और दूसरा तरीका जो आपका था दोस्तों वो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो ये दोनों तरीके दोस्तों स्टेटर साइड से जो कंट्रोल स्पीड कंट्रोल के थे ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल का जो तीसरा तरीका है, दैट इज पोल चेंजिंग मेथड। ठीक है, तो चलिए चेंजिंग मेथड के बारे में। ठीक है, पोल चेंजिंग मेथड। अब इसमें से दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पोल चेंजिंग मेथड का यूज किस तरह के रोटर के लिए किया जाता है। तो पोल चेंजिंग मेथड का यूज केवल केज रोटर के लिए किया जाता है दोस्तों। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इट ऑटोमेटिकली जनरेट द नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू द स्टेटर। लगा स्टेटर में आपके पोल होता है और रोटर में आपके पोल क्या होता है? इंड्यूस होता है। तो केज रोटर के केस में दोस्तों जो इंड्यूस पोल होता है वो स्टेटर पोल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज दोस्तों केज रोटर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो हमारी बात हो गई यूज की। और दूसरा बात है दोस्तों, ये इसका यूज तब किया जाता है जब हमें स्टेप स्पीड कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डिटेल में समझने के लिए दोस्तों हमें अपने दोबारा से एनएस के फार्मूले पे आना पड़ेगा। एनएस का फार्मूला क्या हो दोस्तों? 120 एफ अपॉन पी। तो एफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि अगर नंबर ऑफ पोल्स को हम वेरी करेंगे तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड वेरी करेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ऐसा क्यों बोला दोस्तों कि केवल स्टेप स्पीड कंट्रोल के लिए इसका यूज किया जाता है? क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, अगर पी की वैल्यू मैं 4 कर दूँ और आपके एफ की वैल्यू जानते हो दोस्तों 50 हर्ट्ज होती है, तो आपके एनएस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? एनएस की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1500 आरपीएम। अगर मैं पोल की वैल्यू यहीं 6 कर दूं दोस्तों, अगर पोल की वैल्यू मैं 6 कर दूं और एफ की वैल्यू अभी 50 हर्ट्ज है, तो आपके एनएस की स्पीड निकल के आएगी 1000 आरपीएम। तो देख रहे हैं दोस्तों कि ये एक कंटिन्यूस स्पीड चेंज आपको नहीं देगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको स्टेप्स मिलेंगे स्पीड के, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि पोल को हम कंटिन्यूसली चेंज नहीं कर सकते। पोल्स एक पोल्स इंटीजर जब कभी भी पोल्स होगा दोस्तों इवन इंटीजर में ही होगा। नंबर ऑफ पोल्स जब कभी भी होगा दोस्तों इवन इंटीजर में ही होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको स्पीड जो स्टेपिंग स्पीड है कुछ इस तरीके से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गया उसके बेसिक फंक्शनैलिटी की दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम इस पोल को चेंज कैसे करें। हमने ये तो देख लिया दोस्तों कि अगर हम इस पोल को चेंज करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड चेंज होती है तो आपकी एनआर जो कि आपकी इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो भी चेंज होगी, क्योंकि एनआर का हमने फॉर्मूला देखा था NS 1 - S, यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड और 1 - स्लिप होता था। तो जब NS वेरी करेगा दोस्तों तो आपका NR भी वेरी करेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पोल चेंज करते हुए NS वेरी का नंबर ऑफ पोल्स हैं इसको वेरी कैसे करेंगे। तो चलिए हम अगले चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि मेथड ऑफ चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था दोस्तों वाइंडिंग। पहला तरीका क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल वाइंडिंग। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों? दूसरा तरीका होता है कैस्केडेड पोल मेथड। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या होता है दोस्तों? तीसरा तरीका होता है पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों,
तो ये वो तीन तरीके हैं जिनके द्वारा दोस्तों हम पोल्स को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल वाइंडिंग को, ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल वाइंडिंग को। ये काफ़ी आसान है दोस्तों, मल्टीपल वाइंडिंग काफ़ी आसान है दोस्तों। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एक ही मशीन के ऊपर दोस्तों हम दो वाइंडिंग कर देते हैं, टू वाइंडिंग ऑफ डिफरेंट पोल। मतलब दोस्तों आपके स्टेटर के स्लॉट्स हैं, स्टेटर के स्लॉट्स में हमने क्या कर दिया दोस्तों, मान लीजिए फॉर एग्जांपल फोर पोल की भी वाइंडिंग कर दी और सिक्स पोल की भी वाइंडिंग कर दी, दोनों ही पोल की वाइंडिंग कर दी, फोर पोल वाइंडिंग और सिक्स पोल वाइंडिंग, दोनों ही पोल की वाइंडिंग कर दी। अब इसके बाद हमने क्या किया दोस्तों कि इन दोनों के एंड को बाहर ले आ दिया, इन दोनों के एंड को बाहर ले आ दिया। तो बाहर ले आने के बाद हमने क्या किया दोस्तों, स्विचिंग किया फोर पोल में और सिक्स पोल में। स्विचिंग किसके द्वारा करेंगे दोस्तों, स्विचिंग करेंगे हम ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच के द्वारा, क्योंकि जानते हैं दोस्तों ये फोर पोल भी थ्री फेज होगा, ये सिक्स पोल भी थ्री फेज होगा। तो हम TPDT स्विच जो कि ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच के द्वारा हम फोर पोल और सिक्स पोल में चेंजिंग करेंगे दोस्तों। तो फोर पोल में जब हमारा होगा चेंजिंग, तो हमारी स्पीड होगी कितनी दोस्तों, 1500 RPM, 1500 RPM। जब सिक्स पोल में हमारी वाइंडिंग शिफ्ट होगी तो स्पीड हमारी कितनी होगी, 1000 RPM, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से देख रहे हैं दोस्तों कि हम दोनों के ही टर्मिनल को बाहर लाए, वाइंडिंग में से दोनों के वाइंडिंग करा, वाइंडिंग करने के बाद दोनों टर्मिनल को बाहर लाया और उसके बाद पावर सप्लाई को स्विच किया, किसके द्वारा, TPDT के द्वारा, एक बार फोर पोल में और एक बार सिक्स पोल में। तो जब फोर पोल में शिफ्ट किया तो 1500 RPM मिला, जो सिक्स पोल में शिफ्ट किया तो 1000 RPM मिला। तो इसके बारे में दोस्तों बस इतना ही कि ये मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है दोस्तों। तो इसके डिसएडवांटेज की जब मैं बात करूं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक ही स्टेटर के अंदर दो तरीके की वाइंडिंग की गई है और एट ए टाइम केवल एक वाइंडिंग एक्टिव है, एट ए टाइम दोस्तों केवल एक वाइंडिंग है, या तो फोर पोल वाली वाइंडिंग एक्टिव है या तो सिक्स पोल वाली वाइंडिंग एक्टिव है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों मशीन को फुल, उसके डिजाइन को यूटिलाइज नहीं किया गया, मशीन के डिजाइन को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये एक लेस इफिशियंट मशीन है और दूसरा क्या बात है दोस्तों, ये कॉस्टली भी है, लेस इफिशियंट है, कॉस्टली भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों मल्टीपल वाइंडिंग के बारे में। अब चलिए दोस्तों जो अगला हम देखते हैं दोस्तों वो कैस्केडेड पोल मेथड। अब कैस्केडेड पोल मेथड में क्या होता है दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि फेज वाइंडिंग जो होती है दोस्तों, जो कि स्टेटर के ऊपर की गई है, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब जो वाइंडिंग लपेटी गई है स्टेटर के अंदर, उन वाइंडिंग को हम अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, एक ही फेज की वाइंडिंग में अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके कनेक्शन को बदलते हैं, उस ग्रुप के कनेक्शन को बदलते हैं जिससे हमें अलग अलग पोल मिलता है। ज़्यादा समझने के लिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ज़्यादा समझने के लिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों किसी एक फेज को मैंने पिक किया जिसके अंदर चार कॉयल थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में किसके कितने कॉयल हुए दोस्तों, दो कॉयल, और दूसरे ग्रुप में कितने हुए, दो कॉयल, ठीक है। एक फेज के अंदर चार कॉयल थी दोस्तों और इस कॉयल को मैंने फिर इसको मैंने क्या कर दिया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो दो दो एक एक ग्रुप में कितनी कॉयल होंगी, दो कॉयल, और दूसरे ग्रुप में कितनी कॉयल होंगी, दो कॉयल, इक्वली डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अब देखिए, मैं मुझे इस दो कॉयल और इस दो के दो कॉयल के बीच में कनेक्शन बदल के कैसे मैं डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स जनरेट करता हूँ। इस कॉयल ग्रुपिंग की है, उस ग्रुप की प्लेसमेंट किस तरीके से, मतलब वो कॉयल स्पेस में किस तरीके से रखे गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं फर्स्ट ग्रुप के कॉयल बना रहा हूँ जिसको मैं नाम दूंगा, अभी देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप के कॉयल बना रहा हूँ तो इसमें दो कॉयल है, तो पहला कॉयल मैं बनाया इस तरीके से,
ठीक है, दो कॉइल बनाना था दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे दो कॉइल में बना रहा हूँ। ठीक है, और ये आपकी रिटर्निंग रिटर्निंग पाथ हुआ। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने फर्स्ट कॉइल बना लिया, फर्स्ट ग्रुप बना लिया जिसके हमने दो कॉइल, इस ग्रुप का नाम मैं दे दे रहा हूँ ए बी और इस ग्रुप का नाम दे दे रहा हूँ सी डी। ठीक है, अब ठीक है दोस्तों, अब दूसरा ग्रुप बनाते हैं, दूसरा ग्रुप बनाते हैं। तो दूसरा ग्रुप कुछ सी डी का इस तरीके से बना, ये उसके दोनों टर्मिनल है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि इसके दोनों टर्मिनल हमें बाहर लेने हैं इस कॉइल के। तो ये ए बी क्या है, ये जो दूसरा ये जो ग्रुप है उसके दो टर्मिनल हैं। उसी तरह से दोस्तों ये देखिए, मैं दूसरे कॉइल बना रहा हूँ, और दूसरा कॉइल हमें इस तरीके से इस सिलेक्शन को करना होता है दोस्तों कि जो फर्स्ट कॉइल और सेकेंड कॉइल हो वो एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के बीच में स्पेशली इस तरीके से स्पेस में प्लेस्ड हो, स्पेस में उनकी प्लेसिंग कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों कि स्पेस में उनकी प्लेसिंग कुछ इस तरीके से हो, मतलब फर्स्ट ग्रुप का कॉयल, फर्स्ट ग्रुप का कॉयल, फिर सेकंड ग्रुप का कॉयल, फिर फर्स्ट ग्रुप का कॉयल, फिर सेकंड ग्रुप का कॉयल। तो इस तरीके से कुछ वो स्पेस में अरेंज हो। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप का कॉयल, तो सेकेंड ग्रुप का कॉयल यहाँ भी बनेगा दोस्तों, ये आपके सेकेंड ग्रुप का कॉयल। ठीक है, सेकेंड ग्रुप का कॉयल, और ये उसका रिटर्न पाथ, ये उसका रिटर्न पाथ, इसको नाम दे दिया मैंने सी और डी। ठीक है दोस्तों, सी और डी। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब मैं जानता हूँ दोस्तों कि ये दोनों टर्मिनल, ये चारों टर्मिनल मुझे अवेलेबल है, तो इन चारों टर्मिनल में मैं करंट का डायरेक्शन, तो ऐसा देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मुझे इस कॉइल के भी, इस कॉइल में भी करंट के डायरेक्शन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और इस कॉइल में भी करंट का डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मुझे करंट का डायरेक्शन इस कॉइल में कुछ इस तरीके से कंट्रोल करना है कि यहाँ पे साउथ पोल बने। तो साउथ पोल बनने के लिए दोस्तों जानते हैं कॉइल में आपका जो करंट का डायरेक्शन वो क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होने के लिए साउथ पोल में मतलब बनना है तो डायरेक्शन इस तरीके का होना चाहिए, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर इसमें डायरेक्शन इस तरीके से बना तो यानी मेरा इन्वर्ट कुछ डायरेक्शन ऐसे बनेगा इस वाले कॉइल में, और यहाँ भी डायरेक्शन इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से और ये वापस। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, आपका साउथ पोल, साउथ पोल। अगर यहाँ पे साउथ पोल बन गया दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे नॉर्थ पोल बनाना है। तो नॉर्थ पोल बनने के लिए पता है दोस्तों कि कॉयल में आपके करंट के डायरेक्शन क्या होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होना चाहिए, तो यानी इस वाले कॉयल में करंट सी में ऐसे फ्लो कर रहा होगा और करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है कि डी से जा रहा होगा तभी जाके इसमें नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखा दोस्तों कि मैं इस करंट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, इन दोनों बाहर जो कॉयल निकले इनके करंट के डायरेक्शन को, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर मैंने क्या क्रिएट कर लिया, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। आप चाहें तो इसको भी नॉर्थ क्रिएट कर सकते थे, इसको साउथ क्रिएट कर सकते थे, जो आपकी मर्जी। तो इस केस में दोस्तों ये आपकी कितने पोल की मशीन बनी, ये फोर पोल की मशीन बनी, फोर पोल की मशीन बनी दोस्तों। तो आपको 1500 RPM की स्पीड मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 1500 RPM की स्पीड मिलेगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसके थोड़े कनेक्शन को बदलते हैं। जैसा हमने बताया दोस्तों कि मैं इन ग्रुप के द्वारा इस नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करने वाला हूँ। तो एक केस तो हमने देख लिया जब हमने, हमें चार नंबर ऑफ पोल्स मिल गए। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इन्हीं ग्रुप्स की वजह से, इन्हीं कनेक्शन की वजह से, जो ए बी सी डी का कनेक्शन है, इसके वजह से हमें अलग नंबर ऑफ ग्रुप्स भी कैसे मिलेंगे, अलग नंबर ऑफ पोल्स भी, इन चारों के कनेक्शन से भी हमें अलग नंबर ऑफ पोल्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक बार फिर से यही फिगर बनाते करते। तो इसमें सबसे पहले फिर से ड्रॉ किया दोस्तों आपके फर्स्ट कॉइल हमने ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट कॉइल्स ड्रॉ की हमने। तो ये दोस्तों आपके ए बी कॉइल हो गए। उसके बाद हमने दूसरे कॉइल ड्रॉ किए, दूसरे कॉइल ड्रॉ करने के लिए आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके से दूसरे कॉइल को हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। को ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ये आपके सी हैं, ये आपके डी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों देखिए, मैंने देखा दोस्तों कि इसमें साउथ, इसमें क्या था, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल,
इसमें नॉर्थ पोल था, तो नॉर्थ पोल वाले कनेक्शन को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल होने के लिए दोस्तों आपका करेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी आपका जो यहाँ पे करंट होगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, तभी ये जाके दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। और इसमें भी कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट का डायरेक्शन चाहिए। तो सी डी के कनेक्शन को पिछले वाले केस के हिसाब से मैंने छेड़ा नहीं दोस्तों। और उसके बाद मैंने क्या किया कि इस ए बी के कनेक्शन को पिछले वाले केस के कनेक्शन से उल्टा कर दिया। तो पिछले वाले केस में हमने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे साउथ पोल बनाया था, तो साउथ पोल बनाने के लिए इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया था, यानी करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा था, इसमें भी कुछ ऐसे फ्लो कर रहा था। अब हमने क्या किया दोस्तों कि इसमें करंट का डायरेक्शन मैंने उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कराया, यानी इसमें भी मैंने नॉर्थ पोल बना दिया। तो नॉर्थ पोल बनाने के लिए दोस्तों इसमें भी करंट का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भी क्या बन गया, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। तो यानी आपके ए की तरफ जो कनेक्शन रहा इस तरीके से, और आपके बी से करंट इंटर कर रहा है और ए से बाहर आ रहा है, तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों इसमें। तो ऐसा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं इन्हीं ए बी का केवल करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करके मैं यहाँ पे भी नॉर्थ पोल क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट किया, तब क्या होगा दोस्तों, क्योंकि हम मैंने तो पोल्स पेयर तो बनाया ही नहीं। पिछले केस में तो सही था दोस्तों, हमने पोल्स पेयर बनाए थे, नॉर्थ साउथ बनाया था, नॉर्थ बनाया था, नॉर्थ बनाया था, साउथ बनाया था, लेकिन यहाँ तो हमने पोल्स पेयर बनाया ही नहीं। तो इसके वजह से जब हम ऐसा कर देते हैं दोस्तों कि दोनों में हम को दोनों कॉइल्स में करंट हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि सारे एक ही तरह के पोल जनरेट करने लगे, तो दूसरा पोल दोस्तों सराउंडिंग में इंड्यूस हो जाता है, सराउंडिंग में दूसरा पोल इंड्यूस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम एक कॉइल, क्योंकि जानते हो दोस्तों कि अगर एक नॉर्थ पोल है तो सराउंडिंग में दूसरा पोल क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। इसी इंड्यूस पोल को दोस्तों, इंड्यूस पोल को हम कैस्केडेड पोल बोलते हैं, कैस्केडेड पोल बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बार हमने जब ए के डायरेक्शन, इस ए और बी में करंट के डायरेक्शन को जब रिवर्स किया, तो हमें पहले रिवर्स किया तो पहले हमें मिल रहा था 4 पोल, और हमने रिवर्स करते ही हमें कितने मिलने लगे दोस्तों, 8 पोल। रिवर्स करते ही हमें कितने मिलने लगे, 8 पोल। तो इस केस में दोस्तों आपकी आरपीएम कितनी होगी, 750 आरपीएम। अब देख सकते हैं दोस्तों 50 हर्ट्ज के लिए अगर आप 8 पोल रखेंगे तो मेथड, ये हमारा मेथड किस में रहा दोस्तों, कैस्केडेड पोल मेथड, जिसमें हम करंट के डायरेक्शन को ग्रुप कॉइल्स में, जो कि ग्रुप कॉइल्स थे उनमें करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करके अलग अलग नंबर ऑफ पोल्स को जनरेट कर रहे थे। दोस्तों अगला जो पोल चेंजिंग मेथड पढ़ रहे हैं वो मेथड आपका क्या है दोस्तों, जो थर्ड हमारा पोल चेंजिंग मेथड है वो पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूल। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मॉड्यूलेशन शब्द आया दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, आपने एक तरीके का मॉड्यूलेशन या तो सुना होगा दोस्तों, या सुन रहे होंगे आप एएम के बारे में दोस्तों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था दोस्तों, आपके पास एक ओरिजिनल वेव होती थी, ओरिजिनल वेव होती थी, चाहे आपकी जो भी वेव थी, साउंड वेव या जो, उसके बाद एक दूसरी वेव होती थी जिसको हम बोलते थे कैरियर वेव, कैरियर वेव। फिर बाद में क्या करते थे दोस्तों, इन दोनों वेव को हम मिक्स करते थे, ठीक है, इन दोनों में एक मिक्स करते थे, उसी का हम नाम देते थे दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे जब हम पोल की बात करें तो यहाँ पे किसकी वेव होगी और किसको मॉड्यूलेट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वेव होती है एमएमएफ की, एमएमएफ क्या है दोस्तों, मैग्नेटो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक। तो जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पोल्स थे उसकी वजह से जो एमएमएफ की वेव बनी वो कुछ इस तरीके से दी जाती है दोस्तों, F1 थीटा इक्वल टू F1 sin P1 थीटा अपॉन 2, ठीक है। और उसको क्या करते हैं दोस्तों, एक आपकी मॉड्यूलेशन वेव, एक मॉड्यूलेशन वेव जिसको कुछ इस तरीके से दिया जाता है, मॉड्यूलेशन वेव, जिसका इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, जो कि अलग नंबर ऑफ पोल्स रखती है। ये क्या है, P1 क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर ऑफ पोल्स। एक मॉड्यूलेशन वेव होती है जिसके अंदर दोस्तों हम मॉड्यूलेशन वेव ऐसा जनरेट करते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स आपके क्या हो, अलग हो, इस एमएमएफ के पोल से, जो कि हमारी ओरिजिनल वेव थी एमएमएफ की, उससे इस जो मॉड्यूलेशन वेव है उसमें नंबर ऑफ पोल्स अलग हो। तो जब इन दोनों का मॉड्यूलेशन करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो फाइनल एक मॉड्यूलेटेड वेव निकल के आती है वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है, FR थीटा इजकल्स टू F1 F2 cos P1 - P2 थीटा अपॉन टू माइनस
ये पूरे में दोस्तों माइनस कॉस पी वन प्लस पी टू थीटा बाई टू और इन सब का बाई टू। तो दोस्तों जो फाइनल हमारी वेव निकल के आती है वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है। तो एक आपकी ओरिजिनल नंबर ऑफ पोल्स की वजह से जो MMF वेव आई रहती है वो कुछ इस तरीके की होती है, और एक मॉड्यूलेशन वेव जो हम जनरेट करते हैं उसकी वजह से उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स होता है पी टू, और इन दोनों का जब मॉड्यूलेशन होता है तो उसकी वजह से एक तीसरी वेव जनरेट होकर आती है जिसमें हमें नंबर ऑफ पोल्स जो मिलते हैं वो दो तरीके के मिलते हैं, एक पी वन माइनस पी टू के और एक पी। ये तो काफ़ी रटा रटाया टॉपिक हो गया, ये काफ़ी ऊपर से चला गया, ये काफ़ी रटा रटाया टॉपिक हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो एफ वन थीटा है, अब MMF कैसे बनी होगी दोस्तों, जानते हैं कि MMF क्या होता है। MMF होता है आपका NI होता है, यानी आपके नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो दोस्तों जानते हैं कि हर एक जो तो आपका हर एक फेज होगा उसकी वजह से एक MMF आया होगा, हर फेज की वजह से MMF आया होगा। मतलब इसमें क्या, इस फेज स्टेटर, इस फेज की पहले फेज की करंट, दूसरे फेज की करंट और तीसरे फेज की करंट, और उसके बाद क्या होगा, तीनों तीनों ऐड हुए होंगे, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, तीनों ऐड हुए होंगे तो आपकी इस तरीके की कुछ वेव फॉर्म हुई होगी। इसके बाद क्या हम क्या करते हैं दोस्तों कि अपने वाइंडिंग में ही हम एक और तरीके की वाइंडिंग कर देते हैं, लेकिन ये पहले वाले केस से अलग है दोस्तों। पहले वाले केस में एक टाइम पे एक ही वाइंडिंग एक्टिव रहती थी, लेकिन यहाँ दोनों वाइंडिंग एक्टिव रहती है, उसका भी एक MMF वेव होता है जो कि अलग नंबर ऑफ पोल्स रखी हुई होती है। फिर ये दोनों मिल के दोस्तों एक तीसरे नंबर ऑफ पोल्स को जनरेट करते हैं जिसके द्वारा हम अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसी MMF की वजह से आपके क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स जनरेट होता है। इसी MMF की वजह से क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। अब ये जो फ्लक्स है दोस्तों, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक टर्म में अगर मैं इसको कोलरेट करूं तो MMF मतलब दोस्तों आपका EMF और फ्लक्स मतलब आपका करंट। तो बेसिकली दोस्तों ये करंट, जैसे EMF की वजह से आपका करंट जनरेट होता है, उसी तरह से MMF की वजह से आपका फ्लक्स जनरेट होता है। तो दोस्तों जब कभी भी आप एक स्पेस में, जो आपके मोटर के अंदर स्पेस होता है, वहाँ पे किसी पॉइंट पे आप अगर आप फ्लक्स के फंक्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका साइनोसोइडल फंक्शन ही आएगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ पोल्स का भी उसमें इंक्लूजन होगा। ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर मोटर में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पोल्स का इंक्लूजन होगा। ये क्या है, उसी मोटर में अलग तरह की वाइंडिंग है जो साथ में ही एक्टिव थी, जिसका हमें कंट्रोल माप प्राप्त होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम इस मोटर की ओवरऑल पोल में चेंजिंग कर सकते हैं। अब ये मॉड्यूलेशन कैसे आया इसके लिए दोस्तों, आपको आप जब AM पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें ज़्यादा क्लियरली समझाया गया होगा कि दो वेव को मॉड्यूलेट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल फ्रॉम द रोटर साइड। बहुत बहुत धन्यवाद।